हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइड वे। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज भी इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, एक क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो SSC ग्रुप डी और NTPC तैयारी करते हैं। तो इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस आवर सारणी से। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार ग्रुप डी रेलवे में आया है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक को, चलते हैं। तो इसमें कहता है कि पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि तत्व 10 11 के लिए परमाणु संख्या क्या है। तत्व जो ऑप्शन नंबर 1 है 22, ऑप्शन नंबर 2 81, ऑप्शन नंबर 3 है 52, ऑप्शन नंबर 4 क्या है 73। तो हमारे से ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। जो टैंटेलम है वो टंगस्टन के पहले आता है, यानी आवर सारणी में डी ब्लॉक के 5वें समूह में रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 15 है जिसमें निम्न से कौन से तत्व समान दशा निगुण दशा के हैं। पहला ऑप्शन हमारा कौन, बेरियम, दूसरा नियान, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्या है ऑक्सीजन। तो बात करते हैं, पहले पता करते हैं कि 15 वाला तत्व कौन है। 15 वाला तत्व हमारा क्या है, ये 15 वाला जो तत्व है हमारा क्या है, फास्फोरस है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 8 5, यानी इसके इसके अंतिम कोष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसको देखते हैं, इसका बेरिलियम हमारा कितना 2.2 हो जाता है, नियान कितना होता है 2.8 हो जाता है, नाइट्रोजन का क्या है हमारा पता है 2.5। तो इसके अंतिम कोष में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अगला है, कौन सा तत्व तो नोबेल गैस के बारे में सत्य नहीं है। वे प्रकृति के धातु के हैं, वे परमाणु के रूप में मौजूद है, वे रेडियोधर्मी है, जीनान सबसे अधिक क्रियाशील है। इसमें अगर सत्य नहीं है तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या है, वे प्रकृति के रेडियोधर्मी है, सत्य नहीं है, बाकी सब क्या है, सत्य है, क्योंकि ये प्रकृति में धातु के सही है, वे प्रकृति के रूप में मौजूद है, ये भी सही है, जीनान सबसे अधिक क्रियाशील, लेकिन ये प्रकृति के रेडियोधर्मी है, ये सही नहीं है। अगला है, सिलिकॉन एक है धातु, अधातु और उपधातु और अक्रिय। तो ये हमारा सिलिकॉन जो है पहले ग्रुप नंबर 30 में है। ठीक है, और क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो और इसमें क्या है, धातु अधातु उपधातु, तो हमारा सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ब्लॉक में धातु अधातु और उपधातु तीनों तत्व होता है, वहां पी ब्लॉक जो होता है उसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। अगला है, समूह फर्स्ट ए के तत्व को रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट बी के तत्व के रूप में जाना किसे जाता है, छाया, पहला ऑप्शन है क्षारी तत्व, दूसरा संक्रमण तत्व, चौथा तक तीसरा हमारा क्या है, क्षारी तत्व, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है हमारा और सारणी में होता है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, फर्स्ट ए, सेकेंड बी, फिर थर्ड भी, फोर्थ भी, इस तरह आता है ना। जो ये हमारा है फर्स्ट भी जो है वो हमारा कौन सा तत्व है, ए डी ब्लॉक में आते हैं, और डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही है। हैलोजन के बीच सबसे अधिक क्वथनांक होता है, हैलोजन के बीच में जो सबसे अधिक क्वथनांक होता है, नंबर 1 ऑप्शन है क्लोरीन, नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3 ब्रोमीन, नंबर 3 आयोडीन। तो होता है हमारा क्या, इसमें आयोडीन का क्वेश्चन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, और सबसे अधिक क्रियाशील तो हमारा ब्रोमीन है। अगला है, जब मेंडेलीव ने अपना वर्गीकरण प्रस्तावित किया तब तक तो ज्ञात नहीं थे, उस समय 3 तत्व ज्यादा नहीं ज्ञात थे, एक हमारा था गैलियम था, और क्या था, स्कैंडियम था, और जर्मेनियम था, 3 तत्व ज्ञात नहीं थे। तो इसमें कौन सा है जो ज्ञात नहीं किया जा सकता था, उसको एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे नाम उसको दिया गया था। तो इसमें क्या था, हमारा क्या, हाइड्रोजन,
सोडियम कॉपर जर्मेनियम का जर्मेनियम जो है ये तत्व ज्ञात नहीं था, जिसे एक सिलिकॉन के नाम से जाने जाते थे। ये क्वेश्चन ये ग्रुप जे जे आर आर बी जे में 12 रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो एक सिलिकॉन। ये इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है हमारा फर्स्ट ईयर में स्थित है, ये जो एस ब्लॉक तत्व है, सोडियम भी एस ब्लॉक तत्व है, फर्स्ट ईयर में रखा गया है। कॉपर हमारा डी ब्लॉक में तत्व है, जिसे मुद्रा धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं, डी ब्लॉक में रखा गया, इसे सिक्के बनाए जाते हैं। कौन सा आवर्त सारणी में सबसे लंबी अवधि है, आवर्त सारणी में हम आप लोगों को बताए थे, इसे पहले आप देखिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, आपने बताए थे कि हम आपको बताया था हमने कि पहले आवर्त में दो तत्व होते हैं, दूसरे में आठ तत्व होते हैं, तीसरे में आठ तत्व होते हैं, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवे में 32, सातवें में 32, यानी छठवां जो होता था हमें सबसे लंबी आवर्त है और सातवां भी सबसे लंबी आवर्त है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, छह नंबर सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा आवर्त सारणी का गुण नहीं है, आवर्त सारणी का गुण क्या होता है, पहला होता है विद्युत ऋणात्मकता, जो होता है विद्युत ऋणात्मकता हमारा क्या होता है, बाएं से इसमें विद्युत ऋणात्मकता होता है, एक मैंने बताया था विद्युत ऋणात्मकता बाएं से ज्यादा चल चलने क्या होती है, ऊपर से नीचे आने क्या चलती है। परमाणु आकार भी बताया था कि ऊपर से नीचे चलने क्या होती है, बाएं से दाएं चलने क्या होती है, ये भी बताया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बताया था कि क्या होता है, बाएं से दाएं चलने क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने क्या होता है, ये भी बताया था, लेकिन आपको रेडियो धर्मिता नहीं बताया था, ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, जैसे क्या है, ग्रुप नंबर 18 है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। शून्य समूह में कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान और ऑग्नेंसन, ठीक है। इसमें पूछा जाता है सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, जीनान है। कौन सा ऐसा समूह है जिसका जो नॉन रिएक्टिव गैस है, वो हमारा शून्य समूह का गैस है। किस समूह को शून्य समूह के नाम से जानते हैं, 18 समूह के नाम से, 18 समूह का सबसे लास्ट तत्व कौन सा है, ऑग्नेंसन है। एक शून्य समूह को और किस नाम से जानते हैं, नोबल गैस के नाम से जानते हैं, और किस नाम से, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, ये हमारा क्या है, जो आवर्त सारणी में हमारा है जो फर्स्ट ए ब्लॉक का तत्व है, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है, उसमें क्या होता है, वो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, शून्य समूह का तत्व है। सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हमारा फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है। इसमें क्या होता है, जो सोडियम है वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सा हमारा है, सोडियम। वह कौन सा धातु जिसे चाकू से काटा, पोटेशियम और सोडियम को दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। पूछता जाता है एक तत्व जो है पोटेशियम है और आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है, आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे आवर्त में रखा गया है, कौन सा, चौथे आवर्त में रखा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो एक क्लोरीन है, एक किस ग्रुप का तत्व है, एक किस ग्रुप का, ये सातवें ग्रुप का तत्व है, सातवें
सातवें ग्रुप का तत्व जिसे हाइलोजन होते हैं। हाइलोजन ग्रुप का अंतिम कौन सा टेंसाइन है, कौन सा है टेंसाइन है। बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 का अंतिम तत्व कौन सा है, निहोरियम है, कौन सा है निहोरियम है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, इसी तरह ज्यादातर क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। और इस तरह जैसे कैल्शियम किस आवर्त का तत्व तो है, तो ये क्या हमारा क्या है, ये तीसरे आवर्त का तत्व तो है, तीसरे नहीं चौथे आवर्त तत्व, सॉरी ये चौथे आवर्त का तत्व है। किस समूह का तत्व तो है, सेकेंड ए समूह का तत्व तो है। इस तरह ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको रिपीट कर लर्न करना, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।